प्रेसियस गैस सर्विस के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल। याचिका में भारत पेट्रोलियम, मुंबई पुलिस, रशनिंग ऑफ कंट्रोल अधिकारी, फायर ब्रिगेड अधिकारी सहित 7 लोगों को बनाया कोर्ट में पार्टी। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी गैस सर्विस, सभी अधिकारियों की शिकायत करने के बाद नहीं हो रही थी कार्रवाई। हिंदुस्तान कामगार संगठना के अध्यक्ष राज अधिवाल ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों को दी जानकारी। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस क्या कारण है आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आज? कारण ये है सर, मैं राज अधिवाल हिंदुस्तान कामगार संघ का प्रेसिडेंट हूँ। 6 महीने से गैस एजेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ में, प्रेशियस गैस घाटकोपर में जो उनकी ऑफिस है और अपना कुरला में एक कंपाउंड का क्या नाम है, सलीम कंपाउंड, उसमें सुंदरबाग में उनका गोडाउन है तो वो भी इनलीगल है, और पाटन वाला में भी उनका गोडाउन है वो भी इनलीगल है। हमने पेशियों को, फायर को, बीएमसी को, सभी को लेटर लिखा, हमने पूरी जानकारी इकट्ठी करी। इकट्ठी करने के बाद में हमने इनसे पूछा भाई तुमने क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने कोई कार्रवाई का उत्तर नहीं दिया हमको कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 6 महीने से यही चल रहा है उनका। बीपीसीएल को हमने आरटीआई मारी तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं माल नहीं दे रहा हूँ उनको, है ना, उनको मैं सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, सुंदर बाग वाला रजिस्टर नहीं है, मैं उस गोडाउन पे माल नहीं दे रहा हूँ। तो पाटन वाला कंपाउंड में जो गोडाउन है उनका वो चालू है, वो भी इनलीगल है। वहाँ से भी 2020 से उनका लाइसेंस फायर एंड सेफ्टी का कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हमने वो भी लेके एक्शन लिया, तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से या फायर से विक्रोली से हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हमने जब देखा भाई कोई हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया। जब हम हाई कोर्ट जाकर अपनी याचिका लगाई हमने, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई हमने कि भाई लोगों को जागरूक कर दे कि भाई कल कुछ बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रेशियस गैस वाली है और बाकी एजेंसी है। कौन सी कंपनी का गैस है, जैसा एचपी या कौन सा? भारत गैस। ये क्या आपने सभी जो डिपार्टमेंट है उनको शिकायत पत्र दिया था? सबको शिकायत पत्र दिया हमने, जाकर हमने दो तीन बार हमने शिकायत पत्र दिया है। रेशनिंग वाले को तो हमने डबल रिमाइंडर कंप्लेंट किया है कि भाई तुम्हारे अधिकारों ने, जब तुम्हारे अधिकार वहाँ पे गए थे जो भी लोग थे उन्होंने जो सिलेंडर पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ी गई तो जब्त नहीं किया उसको, उसको खाली बिना कागज पत्र करके चले आए। एनवार्ड का बीएमसी में हमने दिया था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लाइसेंस डिपार्टमेंट का, ये रेसनिंग डिपार्टमेंट का है, कंट्रोल का, और कौन सा इसमें? बीपीसीएल का। ये बीपीसीएल को हमने आरटीआई मारा था, नोटिस दिया। मतलब आपने सभी डिपार्टमेंट को, सभी को दिया, सब डॉक्यूमेंट हमारे पास से दिया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। ईमेल भी किया है, जब हमने कोर्ट की याचिका उनको भेजी बेलिप के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, तो उन्होंने हमें कल एक लेटर भेजा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सस्पेंशन ऑर्डर है, ये सस्पेंशन ऑर्डर है पेशियों का, जो अथॉरिटी है लाइसेंस डिपार्टमेंट। आजकल लेटर दिखाने का, ये बीपीसीएल का ये लेटर है, आरटीआई का लेटर है ये, तो उन्होंने दिखाया है कि भाई ये गोडाउन कभी हमारे यहाँ रजिस्टर ही नहीं था, फिर भी माल जा रहा था। ऐसा बोलो कमानी का, कमानी बोलो सुंदर, हाँ कमानी सुंदर बात, फिनिक्स मॉल, कमानी सुंदर बाग फिनिक्स मॉल के पीछे। मतलब ये एजेंसी सभी की कानून तक ताक करके काम कर रही है। मैं हिंदुस्तान कामगार संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम सैयद जाकिर है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2020 में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पाटन वाला गोदाम पे इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन करने के बाद ये उनको सर्कुलर दिया था, नोटिस दिया था, जिस पे इन्होंने सीसी किया है पैसों को, पुलिस स्टेशन को, बीपीसीएल को, इन सभी को, कि 15 दिन में ये गोदाउन बंद होना चाहिए। गया गो 2020 और आ गया 2024, अब तक के वो फंक्शनल है और वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जब हमने ये ऑब्जेक्शन लिया, लेने के बाद ये लोगों ने क्या किया है, ये लोगों ने इनको अप्रोच किया फायर एंड सेफ्टी को, और वहाँ पे लोगों को उन्होंने कुछ एडजस्ट करना चाहा कि दूसरे के नाम पे ये लोग
लाइसेंस निकालना चाह रहे हैं और वहाँ पे बिली बगत चल रही है फायर एंड सेफ्टी का और एल वॉट का बीएमसी का, तो ये तो एकदम सरासर एकदम सामने सामने है। ये अगर आप देख सकें तो सामने सामने ये चीज़ है, ये चीज़ बिना सेफ्टी के वहाँ पे सब चीज़ें हो रही है और अगर कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारा सिर्फ यही कंसर्न है, हमारा और कोई इसमें उद्देश्य नहीं है, यही कंसर्न है कि वहाँ पे जल्द से जल्द वो चीज़ बंद की जाए। पता नहीं क्यों ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है, बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फायर वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बीपीसीएल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका बच्चा है उनकी गोद में खेल रहा है। पहले सुंदर बाग का इशू था, वहाँ पे उन्होंने बंद नहीं किया, वहाँ वो लोग माल बाहर देते थे गोदाम के बाहर टेम्पो में और फिर टेम्पो से ये लोग माल ले आते थे। फिर सुंदर बाग के बाद यहाँ पे पाटन वाले पे भी सेम इशू हुआ है। ये लोग जो है ना हैबिचुअल क्रिमिनल समझो, ये आप एक क्रिमिनल से भी बड़ी ये एक्टिविटी चल रही है, लेकिन सबको मैनेज करके तो सबको ताक पे रख करके सारी अथॉरिटीज़ को बिना परमिशन के बिना सब किए हुए ये लोग चल रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से चल रहे हैं, क्या है ये, आपके माध्यम से इस चीज़ को उजागर करो और किसी भी तरीके से इसको बंद करवाइए। सभी मामले में आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट का क्या है मामला? सभी मामले में कोर्ट में गए हैं, अभी ऑन बोर्ड आने वाला है हमारा केस, तो आपको हम वो भी बताएंगे, उसके बाद भी हम कॉन्फ्रेंस लेंगे, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संभाजी शंकर काले है, मैं हिंदुस्तान कामगार संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे आपका जो पत्रकार परिषद आज रखी है उसका कारण यह है कि भारत गैस बीपीसीएल का जो एजेंसीज है प्रेसियस गैस घाटकोपर में है, उनका दो गोडाउन है, एक कमानी में है और एक घाटकोपर में है। तो कमानी का हमने जो कंप्लेंट डाला था तो कमानी का गोडाउन आज का डेट में बंद हुआ है, वहाँ पे माल सप्लाई नहीं होता है, लेकिन वो प्राइवेट एजेंसी का गाड़ी में डाल के माल सप्लाई हो रहा है और वो उसका सस्पेंशन ऑर्डर होने के बाद वो गोडाउन बंद हुआ है। और दूसरा गोडाउन है पाटन वाला, पाटन वाला कंपाउंड में 2020 में गोडाउन बंद होने के लिए बंद करने के लिए 2020 में नोटिस बीएमसी ने एन वार्ड ने निकाला था, वहाँ पे 2020 से लेके आज तक फायर एनओसी नहीं है। तो बिना फायर एनओसी का कंपनी कैसा चल रहा है, एजेंसी कैसा चल रहा है, ये हमारा सवाल है। और हमारे कामगार संघ ने सब डिपार्टमेंट को पत्र व्यवहार किया है, उसके बावजूद एक्शन कोई हुआ नहीं है, खाली 15 दिन 21 दिन ऐसा बोल के आगे लेके जा रहे, कार्रवाई हो नहीं रहे, इसलिए हम लोग थक हार के आज हमने कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हमने पिटीशन किया है, जो कोर्ट हमको न्याय देगा उसके ऊपर हम अटल रहेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है कि लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग का संस्था काम करता है, हमारा कोई इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, लोगों की जान के लिए हम लोग काम करते हैं और वर्कर के जान के लिए काम करते हैं। वर्कर को न्याय मिलना चाहिए, वर्कर को सेफ्टी मिलना चाहिए, कोई राजनीति पार्टी से नहीं, कोई हमारे को बोलेगा कि ये राजनीति पार्टी से टच है, कोई राजनीति पार्टी से हम लोग टच नहीं है, हमको सिर्फ कोर्ट ने न्याय देना चाहिए और आपके माध्यम से हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। मेरा नाम एडवोकेट वेदराज पाल है, मैं हिंदुस्तान कामगार संघ का लीगल हेड पे हूँ। हमने ये सब डॉक्यूमेंट देखे हमने और हमने PIL फाइल किए, उसका नंबर 33185/124। अभी इसका कोर्ट में फाइलिंग हो गया है, अभी नो ऑब्जेक्शन पे रिमूव करना है, तो अगले हफ्ते बोर्ड पे आ जाएगा डिवीजन बेंच के सामने। तो जो इन्होंने फायर का सेफ्टी नहीं लिया है, जो लेटर फायर ने दिया था सीनियर इंस्पेक्टर विजिट करना चाहिए सब, वो करना जो नहीं किए उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, तो वो पब्लिक पे वहाँ आग लग सकता है सिलेंडर का जो जो करने जो उन्होंने, इसलिए हमने अभी PIL फाइल करके अब कोर्ट में सीधा हियरिंग होगा नेक्स्ट वीक में। सर इस PIL में कितने लोगों को पार्टी बनाया गया, कौन कौन लोग? हाँ, जो जो पार्टी है फायर का, पेस्को और BMC डिपार्टमेंट, जो एन वार्ड है घाटकोपर का, और जो लाइसेंस रेसलिंग डिपार्टमेंट है, और जो गैस एजेंसी है PCS गैस एजेंसी, उसको बनाया हमने पार्टी। क्या लगता है कि कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में लगेगा? कोर्ट का निर्णय पक्ष में, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, पक्ष में हमारे लगेगा ही।